उज्जैन में देवी को कपड़े के नरमुंड का चढ़ावा। तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है गढ़ कालिका माता मंदिर। दशहरे पर नींबू बांटने की परंपरा, कालिदास रहे हैं इसके उपासक। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जानिए। उज्जैन शहर में 51 शक्ति पीठों में से एक हर सिद्धि मंदिर की तरह गढ़ कालिका मंदिर भी धार्मिक मान्यता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ कपड़े के बनाए गए नरमुंड चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में दशहरे के दिन नींबू बांटा जाता है। इस मंदिर में तांत्रिक क्रिया के लिए कई तांत्रिक मंदिर में आते हैं। इन 9 दिनों में माता कालिका अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देती हैं। कालिदास माँ के उपासक रहे हैं। तो तांत्रिक क्रिया वाले इस मंदिर के बारे में चलिए हम विस्तार से जानते हैं। उज्जैन में हर सिद्धि के बाद दूसरा शक्तिपीठ गढ़ कालिका मंदिर को ही माना गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास ही स्थित भैरव पर्वत पर सती के होंठ गिरे थे, इसलिए इस जगह को भी शक्तिपीठ के समकक्ष ही माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। दरअसल गढ़ कालिका मंदिर गढ़ नाम के स्थान पर होने के कारण गढ़ कालिका हो गया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माँ के वाहन सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार ईस्वी संवत 606 में सम्राट हर्ष ने करवाया था। मान्यता है कि महाकवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। ऐसी मान्यता है कि एक बार कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। इस घटना पर उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद कालिदास ने माँ गढ़ कालिका की उपासना की। वे इतना ज्ञानी हो गए कि उन्होंने कई महाकाव्यों की रचना कर दी और उन्हें महाकवि का दर्जा मिल गया। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। गढ़ कालिका मंदिर को नरमुंडों की माला पहनाई जाती है। मंदिर परिसर में ही कपड़े से बने नरमुंड और नींबू का माला मिलती है। नवरात्रि पर्व समाप्त होने के बाद दशहरे के दिन मंदिर से प्रसाद के रूप में नींबू बांटे जाते हैं। मान्यता है कि घर में ये नींबू रखने से सुख शांति बनी रहती है। भक्ति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें।